बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज की इस वीडियो में भी मैं बहुत ही अच्छी खूबसूरत और स्टाइलिश जो है ना ड्रेस डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ, जो कि दो मैक्सीज़ हैं और एक फॉर्मल ड्रेस है। ये वाली जो है ना, ये आजकल जैसे मैक्सीज या फ्रॉक्स चल रही हैं, ये वो वाला स्टाइल है और इसकी लेंथ 44 है, यानी ये फुल पैरों तक लेंथ नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट स्टाइल में है और बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है और इसके बड़े ज़बरदस्त कट्स हैं। आप लोगों को क्लोज करके दिखाती हूँ कि सेल्फ पे यानी सेम में ही इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। मोस्टली आजकल जैसे शिफोन या जॉर्जेट स्टफ़ पे इसी तरह की मैक्सीज जो है ना होती हैं, जो कि सेल्फ में यानी उसी स्टफ़ की साथ में कुछ ना कुछ ऐसे कट्स या डिज़ाइनिंग हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा शिफोन का स्टफ़ है और कलर और प्रिंट बहुत प्यारा है, बड़ा यूनिक सा है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। ये बाजू जो इसके हैं ना, ऊपर से तो सादे आ रहे हैं और नीचे से ये देखिए जितनी वो आगे से यानी लूज़ कपड़ा होता है ना, उसको बारीक जो है ना ये इलास्टिक से इस तरह प्लेट्स डाल दिए हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ बारीक इलास्टिक लगता है और इस तरह से ये तकरीबन पांच जो है ना सिलाइयाँ चौड़ी करके लगा दी हुई। आगे जो है वो जैसे सिलाई से थोड़ी नीट किया होता है ना किनारा, वो करके तो थोड़ा सा आगे से ये छोड़ा हुआ है ताकि ऐसे जैसे एक फ्रिल की लुक दे ना। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश इसके स्लीव्स बन गए हैं। उसके बाद जी हम आते हैं नेक की तरफ, तो नेक भी इस तरह आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठहरे। इस तरह से ये देखिए, एक हमने पहले कट बना लिया हुआ है, फिर यहाँ पे राउंड पे पूरा आगे पीछे जो है ना नेक पूरा जो है जिस तरह के बैन लगा होता है ना, उसी तरह ये एक डबल फ्रिल इसी स्टफ की, जैसे कि पूरी नेक पे ये लग गई हुई है प्लेट्स वाली। और ये मैंने खोल के इसलिए दिखा दिया कि ये किस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। कट भी थोड़ा सा यहाँ से हमने भी ये भी हाफ इंच का गैप के साथ बनाया, बिल्कुल एक तो जुड़ा हुआ कट होता है ना, ये थोड़ा इस तरह की शेप में आ रहा है। और बिल्कुल ऊपर किनारे पे जो है ना, ये इस तरह से हमने लंबी जो है ना तकरीबन ये 1.5 फुट लंबी जो है ना, वो अब इंचज़ का तो मुझे याद नहीं, लेकिन अंदाजन आप 1.25 फुट या 1.5 फुट की जो है ना ये लंबी स्ट्रिप्स इस तरह से बना के इसकी तो ये दोनों साइडों पे लगी हैं और ये टाई बन जाएगी, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। उसके बाद आते हैं जी कमर की तरफ। ये वेस्ट पे जो स्टाइल बना हुआ है ना, ये इस तरह से है कि चौड़ा वाला इलास्टिक जैसे ट्राउज़र में यूज़ होता है ना, वो वाला डलवाया है। वैसे तो इस तरह से भी ये चीज़ भी 4-5 सिलाइयों के साथ ये बनती है, अक्सर आप लोगों ने देखी होगी रेडीमेड कपड़ों में, तो ये भी जो है ना अच्छा लग रहा है, ज़रा थोड़ा मजबूत भी हो जाता है और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है इस तरह से ना चौड़ा वाला। तो इसको जैसे ट्राउज़र भी नहीं, 3 सिलाइयों के साथ अटैच कर लिया हुआ है और नीचे से, क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है कि कंधों से हमारी नॉर्मल जो हमें साइज़ या फिटिंग चाहिए होता है वो था, और यहाँ से इस जगह से कंधों से जो है ना बिल्कुल ए लाइन जितना भी हमारे पास कपड़ा है ना उतना हम लोग जो है ना इसका घेर रख लेते हैं। उसके बाद जी दामन को हम थोड़ा सा गुलाई में जो है ना उसकी नोके ख़त्म करने के लिए ना कट करते हैं, ताकि इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट या राउंड में इसकी लुक आए। और जब हम यहाँ पे इलास्टिक डालते हैं ना, तो ऑटो यहाँ से, क्योंकि पहले नॉर्मली तो ये लूज़ फिटिंग में था, लेकिन वो इलास्टिक डालने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से कमर की खुद ही एक शेप और फिटिंग बन जाती है। तो मैं आप लोगों को खोल के भी दिखा देती हूँ। खैर ओवरऑल आप लोग ये देखिए इसकी लुक देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लें। ये देखिए, मैंने कहा आप लोगों को खोल के भी, खैर इसकी ना शेप एक दफ़ा दिखा दूँ कि नॉर्मली हम लोग जब कटिंग करेंगे या जैसे अगर टेलर को भी बताना ना, तो इस तरह से ये, खैर मैं तो अपने टेलर को सब कुछ डिटेल में बताती हूँ क्योंकि कई दफ़ा वो लोग ख़राब कर देते हैं। खैर अगर आप लोग, मेरी कुछ सिस्टर्स आ रहे हैं घर पे भी खुद भी सीती हैं, डिज़ाइनिंग करती हैं, तो उनकी आसानी के लिए दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये शेप नॉर्मली आनी चाहिए इलास्टिक डलने से पहले, ठीक है। बिल्कुल समझ लें, आपने खुला ए लाइन में काटा और उसको यूँ इलास्टिक लगा दिया, तो ये बड़ी खूबसूरत सी शेप में आ जाएगी जी। तो सेकेंड वाली भी ये मैक्सी ही है, जैसे लॉन्ग फ्रॉक में आ रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाली दिखाई वो शिफॉन पे थी, और ये लीलन स्टफ पे है ना, ठीक है, लीलन स्टफ है। और प्रिंट देखें बहुत ही खूबसूरत है, कलर स्कीम और प्रिंट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये मैंने कहा ज़रा हैंग करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बेल बॉटम शेप में है ना नीचे से, तो कट्स इसके बस इसके भी बहुत स्टाइलिश से हैं, क्योंकि इनके मैक्सीज़ के ज़्यादातर कट्स ही होते हैं देखने वाले कि किस तरह की जो है ना कट्स में ये बनी हुई है। अच्छा, इसका ये देखिए स्क्वायर जो है ना वो नेक है, ये जैसे आप लोग देख सकते हैं, और ये फ्रंट पे जो है ना बॉडी तक, ये इसकी बॉडी है, ऊपर यहाँ तक इसकी बॉडी है और बॉडी तक जो है ना इसका सारा ये कट बन के, तो इसके लूप्स
कट बना हुआ है और ये लूप्स और बटन्स लगे हुए हैं सारे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया और उसके बाद हम आते हैं स्लीव्स। स्लीव्स में भी ना ऊपर भी ये देखिए इस तरह से चुनट्स डले हुए हैं, ये इस तरह से थोड़े से उभार और चुनट वाले स्लीव्स हैं, और यहाँ आगे आके भी कफ स्टाइल बना हुआ है। ये देखिए सारे ये इर्द गिर्द सारे किनारों पे चुनट्स बने हुए हैं, और ये है इसका कफ, यहाँ तक है इसका कट, और ये आगे बटन लगा हुआ है, और ये आगे छोटी सी बारीक सी अलहदा से जो है ना, ये देखिए मशीन की सिलाई से नीट किया हुआ किनारा है, और छोटी सी चुनट वाली फ्रिल जो है ना वो पूरे कफ पे लगी हुई है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह से। और यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए ना राउंड में कर दिया हुआ है, ठीक है, इसकी शेप को। तो ये बहुत ही बड़ी खूबसूरत और पहन के बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल आते हैं। इसके नीचे वाला जो अम्ब्रेला शेप है ना, ये वाले कट्स ये आपको दिखा देती हूँ बस। जैसे कि अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग देखे ना होती है, तो इसका वैसे ही कट्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों से पहले भी अपनी वीडियोस में अम्ब्रेला कट फ्रॉक्स वगैरह शेयर किए हुए हैं, तो वही शेप है समझ लें। जितना भी बाकी ये होता है डिपेंड करता है कपड़े के ऊपर, ठीक है, जितना भी खुला घेर जो है ना वो जितना ज़्यादा हमारे पास कपड़ा है तो उतना ज़्यादा इसका हम खुला घेर बनवा सकते हैं, और जितना ज़्यादा खुला इसका घेर बनेगा उतनी ही ज़्यादा ये देखिए ना इसकी यूँ इस तरह फॉल आएगी और ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ओवरऑल इसलिए फिर मैंने कहा आपको हैंग करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से इसकी कम्प्लीट लुक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो चले चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। हाँ जी, तो थर्ड वाला जो है ये बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मल ड्रेस है, और ये देखिए आप लोग जैसे देख रहे हैं दुपट्टा चुनरी का है, ये तो रेडीमेड मिल जाता है, ठीक है, दुपट्टा में ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमें खूबसूरत जो है ना फ्रेश फ्रेश कलर स्कीम हुई हुई है यूज़, और ये सारा इसी तरह से बना हुआ था, ये सारा इसका बॉर्डर और ये तिल्ला वर्क और गोटी वर्क जो भी हुआ है ना इस तरह से ये दुपट्टा रेडी था, और सारा ये चारों तरफ इसका ना बॉर्डर बना हुआ है इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, बड़ा हैवी सा दुपट्टा है। तो इसके साथ फिर प्लेन सूट लिया है, दुपट्टा में ओवरऑल लुक आप लोग देख सकते हैं इसकी। तो ड्रेस की तरफ आते हैं अब, ये वाला स्टफ जो है ये रॉ सिल्क है, ठीक है, ये पता नहीं इंडियन रॉ सिल्क बोलते हैं इसको, रॉ सिल्क की भी बहुत सी किस्में हैं, पाकिस्तानी रॉ सिल्क भी है, ये इंडियन रॉ सिल्क है, प्योर रॉ सिल्क भी होती है, ये वो नहीं है, ठीक है। तो कलर भी बहुत प्यारा है इस दुपट्टे के साथ, यानी इस कलर के साथ मैच करके जो है ना वो मैंने बनाया था, यानी लिया था प्लेन में। तो उसके ऊपर ये सारा जो है ना ये गोटी वर्क, यानी फिर दुपट्टे में देखिए ना जैसे जैसे इस तरह का ये काम हुआ हुआ है सारा, और जो कलर स्कीम इसके अंदर थी वही उसी तरह की मैंने मैचिंग लेसें ली हुई हैं, और लेसों को जो है ना वो सिंपल इस तरह से, जैसा कि आप लोग ओवरऑल बस दिखा देती हूँ क्योंकि ये कोई बारीकी वाला डिज़ाइन नहीं है जिसको मैं क्लोज करके आपको उसकी डिटेल कि मैं आपको उसकी डिटेल जो है ना वो बताऊँ। तो ये बस लेसें लगी हुई हैं, पहली वाली लेस ये देखिए एक इस शेप में लग गई है, फिर थोड़े से फासले में ये दूसरी वाली लेस लग गई है, फिर यही वाली लेस जो है ना बाहर ऐसे पैनल्स की सूरत में लगाते हैं हम लोग दामन की तरफ। तो दामन में भी वही लेस इस तरह से एक वो लग गई हुई है, और ये वाली लेस को डबल करके ना ऐसे ऊपर नीचे की तरफ रख के, तो उसके जो है ना दरमियान में ये वाली एक और लेस है जो कि ये नगों वाली है ना सीक्वेंस वाली, ये अंदर अलहदा से फिर उसके जॉइंट को ज़रा कवर करने के लिए और मज़ीद उसको खूबसूरत और फैंसी करने के लिए ना वो अंदर एक और लेस लगा दी गई है, और नीचे वाली भी और नीचे भी फिर यही वाली। इस कलर के ऊपर भी बहुत उठ रही है, दुपट्टे के साथ भी ओवरऑल बहुत अच्छी मैच हो रही है, बाजुओं पर आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइनिंग कि ये इसी तरह वही लेसें दोनों ऊपर नीचे ये वाली और अंदर ये, मतलब ओवरऑल आप लोग खुद बड़ा आसानी से जो है ना वो सारा आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या यूज़ हुआ हुआ है और किस स्टाइल में सब लगी हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत ड्रेस तैयार हो गया, इसके साथ गरारा है, और गरारा भी बस सिंपल है क्योंकि शर्ट ऑलरेडी बहुत हैवी थी, तो गरारा स्टाइल तो आप लोगों को पता है, वैसे यहाँ अक्सर चुनट्स भी डलवाते हैं, मैंने यहाँ पे प्लेट्स डलवाए हैं क्योंकि इस तरह का स्टफ, क्योंकि वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा ज़रा उसका खड़ा खड़ा होता है बहुत ज़्यादा, हालांकि खड़ा नहीं, फॉल अच्छी है इसकी, लेकिन इसके साथ प्लेट्स के साथ ज़रा ज़्यादा अच्छी लुक आ जाती है, ठीक है। तो नीचे से जो है ये सादा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया हुआ इस तरह से, तो जी ये है इसका गरारा, गरारे का स्टाइल आप लोग देख सकते हैं, बाकी तो खैर आप लोगों ने अपने साइज़ के हिसाब से जो है ना वो बनवाना होता है। हाँ लेकिन मैं आप लोगों को शर्ट की लेंथ और गरारे का आइडिया दे देती हूँ कि ये और ये कितनी लेंथ है। तो शर्ट की लेंथ जो है वो थोड़ी 4 है,
और ट्राउज़र की ओवरऑल जो है ये लेंथ है 37 है, और ऊपर वाला जो है ना वो आइडिया बाकी बड़ी मुश्किल से होता है, बाजू का हमें समझ नहीं लग रही होती कि ये वाला एरिया मतलब हमें कितना रखना चाहिए लेंथ में, तो ये आप लोग 18 रख सकते हैं। बाकी का जो है वो नीचे लेंथ में जितना भी अपने हिसाब से अगर आप लेंथ रेडी करवाते हैं तो वो नीचे एक्स्ट्रा चला जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो है ना वो आप 18 रखवा लें, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।